हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको जो जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल के लिए जेटको में रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में मैं आज इलेक्ट्रिकल का जो एक टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें से एक सब टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम है, उसके बाद जो नॉर्टन थ्योरम है, थेवेनियंस थ्योरम है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बताने वाला हूँ जो किस तरह से इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और एक क्वेश्चन है उसको हम किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट MCQ दिया गया है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली, इनमें से किरचॉफ्स करंट लॉ हम किस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, जंक्शन इन ए नेटवर्क, नेटवर्क का जो जंक्शन होता है उनमें ही हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट हैविंग, सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी, लीनियर बायलेटरल एलिमेंट जो होते हैं उनमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज़ रिलेटेड टू, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, बोथ बी एंड सी, जिनमें बैटरी EMF एंड आई आर ड्रॉप मीन्स VR, जो वोल्टेज का ड्रॉप है उसे हम VR भी कह सकते हैं और IR भी कह सकते हैं, उसमें हम KVL है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवेनियंस रेजिस्टेंस RTH इज़ फाउंड, थेवेनियंस रेजिस्टेंस किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल एज फॉर ETH, जिसे हम वोल्टेज हमारा थेवेनियंस कहते हैं उससे हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू, किरचॉफ्स लॉ हम कहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, बोथ AC एज वेल DC सर्किट, AC सर्किट एंड DC सर्किट दोनों में हम KVL और KCL यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विथ, कौन सी सर्किट में हम किरचॉफ्स लॉ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स जो होते हैं उसमें हम किरचॉफ्स लॉ नहीं लगा सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट वॉज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज, जो सर्किट होती है उसे हम बायलेटरल सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सीरीज पैरेलल सर्किट एनी टू रेजिस्टेंस इन द सेम करंट पाथ मस्ट बी इन, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, सीरीज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट हैज रजिस्टर्स कैपेसिटर्स एंड सेमीकंडक्टर डायोड्स, द सर्किट विल बी नोन एज, जिस सर्किट में रजिस्टर कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं उस सर्किट को हम नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई, जो नॉन लीनियर नेटवर्क है उसमें से कौन सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, बोथ होमोजेनियसली एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसके बारे में बताया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेटवर्क विच कंटेंस वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF इज नॉन एज, उसे हम पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। हमारा आंसर है सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, लीनियर रिस्पॉन्स ओनली, जिसमें हमें लीनियर रिस्पॉन्स मिलता है उसमें ही हम सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है डी, करंट वोल्टेज एंड पावर, इन तीनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्मिनल वेयर थ्री और मोर ब्रांचेस मीट इज़ नॉन एज, जो टर्मिनल में
दो और तीन जो ब्रांचेस मिलते हैं उसे हम नोड बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन द ब्रांच वोल्टेजेस ऑफ ए लूप द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इम्पोज्ड, यहाँ पे हमारा आंसर है डी, नन ऑफ द एबो। इनमें से कोई भी हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि दो ब्रांच के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके बारे में बताया है KVL। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइलेटरल एलिमेंट, इनमें से बाइलेटरल एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, कैपेसिटेंस हमारा बाइलेटरल एलिमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज, क्लोज पाथ में एक साथ ज़्यादा ब्रांचेस मिलते हैं उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लूप बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग RTH इज थेवेनियंस थियरम एंड नॉर्टन इक्वावेलेंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर मेड डेड, उसे हम डेड कर देते हैं। जब RTH मीन्स हमारा थेवेनियंस रेजिस्टेंस है और नॉर्टन इक्वावेलेंट में फाइंड करते हैं तब की बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपर पोजिशन थियरम रिक्वायर्स एज मैनी सर्किट्स टू बी सॉल्व एज देर आर, जब हम सुपर पोजिशन थियरम यूज़ करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारा आंसर है यहाँ पे सी, सोर्स जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट मस्ट फ्लो थ्रू ए रजिस्टर टू प्रोड्यूस द सेम हीटिंग पावर एज एन अल्टरनेटिंग करंट विथ ए पीक वैल्यू ऑफ 3.5 एम्पियर, यहाँ पे इस आंसर का मैं एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ जिससे हम फाइंड कर सकें। यहाँ पे हमारा आंसर है बी, 2.5 एम्पियर। तो वो किस तरह से आता है, तो आप देख सकते हैं हमारा DC सर्किट में पावर और AC सर्किट में पावर दोनों एक जैसे होते हैं, तो I² DC इंटू R इज इक्वल टू IRMS² इंटू R, उस तरह से हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। IRMS वैल्यू में क्या है, यहाँ पे पीक वैल्यू दी गई है, मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम I मैक्सिमम बोलते हैं, पीक वैल्यू होती है वो, तो हमारा IRMS इज इक्वल टू IM/√2 फाइंड करके हम हमारा DC का करंट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, 2.5 एम्पियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट I, यहाँ पे जो सर्किट दी गई है वो KCL से यूज करके हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इनमें से हमारा आंसर है यहाँ पे ए, 8 एम्पियर। लेकिन वो किस तरह से आता है उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, जो अंदर की साइड जा रहता है करंट और बाहर की साइड जो करंट निकलता है उससे हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, जो बाहर की साइड जो डायरेक्शन होती है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और अंदर की साइड जो डायरेक्शन उसे उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, KCL इज अप्लाइड एट, KCL हम किस में यूज़ कर सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, नाइदर लूप नॉर नोड, इस दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I1 एंड I2, यहाँ पे जो सर्किट आप हमने दी गई है उस दोनों में से हम कहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही बताऊँगा। KVL का यूज़ करके 0.1 एंड 0.2 आ रही है, तो पहले लूप और यहाँ पे जो फर्स्ट लूप है उसमें हम KVL अप्लाई करेंगे और बाद में दूसरी जो लूप है उसमें भी हम KVL अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन फाइंड करके हमें मिल सकता है 0.1 एंड 0.2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVL इज अप्लाइड इन, KVL हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मेश एनालिसिस में हम KVL का यूज़ कर सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन वोल्टेज, में हमारा नोडल एनालिसिस हम यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेश एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन, हमारा आंसर होगा करंट, क्योंकि नोडल एनालिसिस वोल्टेज के लिए है और मेश एनालिसिस करंट के लिए होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ VX टू द 16 वोल्ट सोर्स, यहाँ पे 16 वोल्ट का जो सोर्सेस है सर्किट में दिखाया है उसका यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर हमारा 3.2 वोल्ट है बी, लेकिन वो किस तरह से, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 वोल्ट हम सोर्स कंसीडर करते हैं, बाद में हमारा 10 वोल्ट जो ये सोर्स है वो और उसको ओपन करके 15 एम्पियर एंड 3 एम्पियर है जो करंट सोर्स दिए गए हैं उसको कैंड फाइंड करते हैं। उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो फाइंड करते हैं। उसका बाद हमारा जो डिवाइड करके हम इस इक्वेशन से हमारा वोल्टेज है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर पोजिशन थियरम इज़ वैलिड फॉर, सुपर पोजिशन थियरम ओनली लीनियर सिस्टम के लिए ही वैलिड है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थेवेनियंस वोल्टेज इज़ द, थेवेनियंस वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसे हम थेवेनियंस वोल्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट BEE सब्जेक्ट्स के नेटवर्क थ्योरम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।